ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यहाँ पर हम स्टूडियो में पूरी विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल की पूजा का एक खास महत्व है। अजय महायोगी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों सिर्फ लड्डू गोपाल रूप? देखिए, बाल रूप, कृष्ण के बाल रूप सभी को प्रिय हैं और भगवान कृष्ण हमारे पे आशीर्वाद दें, इसके लिए आप इनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगा दीजिए। ये हाँ, 5 ग्रास इनको चढ़ा दीजिए। ओम अन्नम चतुर्विधम स्वादु रसै षड्भिः समन्वितम् भक्ष्य भोज्य समायुक्तम् नैवेद्यम् प्रतिगृह्यताम्। ओम कृष्णाय नमः नैवेद्यम् निवेदयामि। यानी कि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होते हैं उनके लिए माखन प्रिय है और मिश्री प्रिय है भक्तों, तो इसके लिए कहा जाए कि लड्डू गोपाल क्या है, हमारे लिए वात्सल्य का प्रतीक है, हमारे एक प्रेम का प्रतीक है, तो हर कोई चाहता है कि कान्हा उनके घर में भी जन्म ले, इसलिए लड्डू गोपाल की जो है घर घर के अंदर स्थापना की जाती है और प्रतिष्ठा करके पूजन किया जाता है। चलिए अजय महायोगी जी, ये तो हम जान गए कि क्यों लड्डू गोपाल रूप को इतना ज्यादा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण से कैसे पाए 5 वरदान, हनुमान श्री अजय महायोगी जी से जानते हैं श्री कृष्ण को मनाने के 5 उपाय। देखिए जी, कृष्ण को मनाने के जो ये, क्योंकि 5000 साल बाद ऐसा अद्भुत योग बना है कि वृष लगन के अंदर ही चंद्रमा उच्च के होते हुए, कई ग्रहों के उच्च के होते हुए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इसके लिए जो भी जातक, जो भी बंधु अपना यश बढ़ाना चाहते हैं, तो बंधुओं नोट कर ले वह उपाय यश बढ़ाने के लिए, जो मंत्र है ओम क्लीम गोपी जन्न वल्लभाय स्वाहा के मंत्र का आप जाप करें और कान्हा को पंजीरी का भोग लगाएं और कम से कम 5 ग्रास भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके यश और मान में सम्मान में वृद्धि होगी बंधु। और इसके साथ में जो कहें कि हम प्रेम को, अगर प्रेम का जो उपाय है उसको, प्रेम को बढ़ाने का जो उपाय है, बड़ा ही अद्भुत उपाय है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपने जाप करना है और मध्य रात्रि में श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाना है। आपको खोया हुआ प्यार मिलेगा और जिसके साथ भी प्यार है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो यहाँ पर प्रेम पाने के लिए आपने जो उपाय बताए, अजय महायोगी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ये जो खास आज शुभ दिन आया है, ये 5000 साल बाद आया है, जी, ऐसा कैसे हुआ, ये लग्न कैसे बना? देखिए क्या है कि नक्षत्र, तिथि, योग, वार, करण, ये 5 चीजें जब मिलके बनती है तो बंधुओं बनता है पंचांग। और पंचांग के हिसाब से जो है कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने मध्य रात्रि भादो मास के अंदर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अंदर जन्म लिया, उस वक्त वृष लगन था और चंद्रमा उच्च के थे। और आज भी ऐसा ही समय है बंधुओं, जो कि तकरीबन 5000 वर्ष बाद हमें दोबारा मिला है, इसलिए आज की जन्माष्टमी बड़ी ही अद्भुत जन्माष्टमी है। तो महायोगी जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं स्टूडियो में, हम पूरी विधि विधान से आज जन्माष्टमी, जो सबसे शुभ जन्माष्टमी है, 5000 साल बाद ये योग बना है, ये लग्न बना है, इस पूरी विधि से हम पूजा कर रहे हैं लड्डू गोपाल रूप के। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं, ब्रेक से पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली और मुंबई में किस तरह भक्त सुबह से कर रहे हैं कान्हा की पूजा।